जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? मंत्री कुशवाहा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? मंत्री कुशवाहा जैसा हो। कोई पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। कोई पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। जिंदाबाद जिंदाबाद। मकरियाल पंचायत का मुखिया कैसा हो? मंत्री कुशवाहा जैसा हो। मकरियाल पंचायत का मुखिया कैसा हो? मंत्री कुशवाहा जैसा हो। नेता चाहिए लड़ने वाला? नहीं चाहिए सुनने वाला। नेता चाहिए लड़ने वाला? नहीं चाहिए सुनने वाला। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। मंत्री कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री कुशवाहा जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम अलग अलग पंचायतों में जाकर अपने चैनल के माध्यम से वहां ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और ये भी जानने का हम कोशिश कर रहे हैं कि कहां की स्थिति कैसा है और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होने के बाद तमाम प्रत्याशियों का दौरा काफ़ी तेज़ हो चुका है। जैसा कि 7 सितंबर से नामांकन भी स्टार्ट हो चुका है और आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर के दिन आज हम मौजूद हैं सिवान सदर के मकरियार पंचायत में। और मकरियार पंचायत माने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ के भावी शिक्षित कर्मठ मुखिया प्रत्याशी मालती कुशवाहा जी का आज नामांकन होने जा रहा है, तो उसी के उपलब्ध में हम यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे जानेंगे इन्हें क्या एजेंडा है और चुनाव की तैयारी इनकी कहाँ तक पहुँच चुकी है। ऐसा कि जो मकरियार पंचायत की जो ये सीट है, मुखिया का जो पद है, ये तो जनरल गद्दी है, इस पर कोई भी नामांकन कर सकता है। तो यहाँ देखा गया है करीब 18 से 20 कैंडिडेट यहाँ पे प्रत्याशी लोग बन के आए हैं मकरियार पंचायत के लिए, लेकिन इनका एक खास बात है कि 18 से 19 प्रत्याशियों में मात्र एक महिला है ये जो यहाँ से नामांकन करने जा रही है, वो मालती कुशवाहा। ये तो जेंट्स का सीट है लेकिन महिला भी यहाँ से चुनाव करने जा रही है, तो ये एक आयरन लेडी के नाम से भी मशहूर है अपने पंचायत में। तो आइए जानते हैं इनका क्या एजेंडा है और किस मुद्दा के साथ ये जनता के समक्ष जा रही है और चुनाव की तैयारी इनका कहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं मकरियार पंचायत के विकास करने के लिए मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ मालती कुशवाहा, चुनाव लड़ रही हूँ। तो जैसा कि आज 9 सितंबर आज आपका नामांकन भी होने वाला है, तो यहाँ से कितने बजे प्रस्थान करना है सिवान ब्लॉक के लिए आपको? 11 बजे तक हम लोग चले जाएंगे। नामांकन कितना बजे होगा? 12 बजे तक हो जाएगा। तो जैसा कि नामांकन में आपके पंचायत के हर एक गाँव से जनता यहाँ पे मौजूद है, तो क्या ये पहले से कोई प्लान सेट था या जनता केवल आज ही आई, एक बाइक आई आपको आशीर्वाद देने के लिए? एक बाइक हमारी जनता आई है हमारे लिए आशीर्वाद देने के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि जो भी लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, करीब 300 से 400 लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो क्या ये सारे लोग वोट में तब्दील हो पाएंगे उस दिन 29? एकदम हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता के सहयोग से चुनाव लड़ती हैं और जनता हमको अपार समर्थन से जीतेगी। देखा जा रहा है कि इसमें जो भी लोग आए हैं सब गार्जियन लेवल के लोग हैं, यानी इनके पीछे 2 से 3 वोट और भी छुपा हुआ है घर पे, तो यानी जितना भी लोग है उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें तो 800 से 1000 वोट होता है। अगर इतना वोट मिल गया आपको मकरियार पंचायत में तो चुनाव की घोषणा समझिए दो आज ही हो गया। तो 1 तारीख को क्या रिजल्ट होगा, इस भीड़ से देख के ही हम लोग को पता चल रहा है कि 1 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाला है मकरियार पंचायत का। और एक खास बात यह है कि आपके जो ये जो यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, जो रैली आप लोग निकालने वाले हैं, इसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये किसी और के साथ ये देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको उम्मीद है कि मकरियार पंचायत की हर महिला आपके साथ जुड़ पाएगी इस पंचायती राज चुनाव में? एकदम जुड़ पाएगी, एकदम बहुत करार में एकदम महिला लोग एकदम निकल गई हैं कि एकदम मालती कुशवाहा को एक एक मत देकर और जिताने को काम करेंगे और मकरियार पंचायत को मुखिया बनाकर छोड़ेंगे।
क्योंकि देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें पुरुषों का अधिकार चलता है और महिलाओं को पावर को दबाने का हरदम कोशिश किया गया हमारे समाज में। लेकिन ये सौभाग्य है मखरियार पंचायत को कि जनरल सीट होने के बावजूद भी यहाँ से एक महिला प्रत्याशी जनता के सामने आई हुई है और यहाँ पर महिलाओं को एक अच्छा ऑफर मिला है कि अपने सोच को उसके साथ जोड़कर जो उनका सोच है वो आए दिखाए और जनता से लड़े वो लोग। और आप लड़ाई जो कर रहे हैं सब महिला आपकी सपोर्ट करे, क्योंकि महिलाओं को हमेशा पुरुष दबा के ही समाज में रखें। और पहली बार ऐसा हो रहा है मखरियार पंचायत में जब कोई औरत अपने मर्जी से अपने सोच से वोट करने जाएगी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है आप। तो क्या आपको लग रहा है कि ये 29 तारीख को मखरियार पंचायत की हर एक जनता विकास के मुद्दा पे ही वोट करेगी? एकदम, यानी जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर जनता विकास को ही चुनेगी 29 तारीख को? एकदम एकदम जनता चुनेगी, चुनकर मुखिया बनाएगी एकदम। तो यहाँ पे मखरियार पंचायत में कितना गाँव पड़ता है करी? अरे 6-7 गांव पड़ता है। सारे गांव से लोग यहां पे आए हुए हैं? अभी नहीं आए हुए हैं, दो चार अभी आए हैं। हाँ, दो चार लोग आए हुए हैं। हाँ, दो चार मन लोग आए हैं। तो क्या ये उम्मीद है कि ये सारे लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे 29 तारीख तक? एकदम हमारे साथ जुड़े हैं, इतना ना दिल से जुड़े हैं कि अब देखने को मिलेगा 29 तारीख को एकदम जीता को हमको पंचायत को मुखिया बनाएगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से मखरियार पंचायत की जनता से आप क्या अपील कीजिएगा अंत में जो चुनाव आने वाला उसके लिए? विकास के विकास एकदम करेंगे, कर को दिखाएंगे, महिला जेंट्स सभी के लिए एकदम हम रहेंगे। तो जैसा कि अभी हम मौजूद थे मखरियार पंचायत में और मखरियार पंचायत के भावी एक मुखिया प्रत्याशी मालती कुशवाहा जी आज नामांकन करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करने वाली है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ के पंचायत के हरेक गांव से जनता लोग इनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उनमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं, महिला भी हैं, यूथ भी हैं, सबका सपोर्ट इनको मिल रहा है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं उन लोगों से जानते हैं, कुछ माताओं से भी जानते हैं कि क्या सोच है। हालांकि इन लोगों सोच को हमारा समाज में कई वर्षों से दबाते वाले लोग आए हुए हैं, लेकिन इस बार इस पंचायत को सौभाग्य एक महिला प्रत्याशी मिली है जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई हुई है। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं लोगों से क्या सोच पे ये लोग वोट करेंगे 29 तारीख को। क्या नाम है चाची राहुल? सती देवी। 29 तारीख के वोटिंग वोट कर जाए न? तो जैसा कि पहली बार ऐसा होता कोनो पंचायत में जहाँ जनरल सीट रहे के बावजूद भी एगो महिला चुनाव लड़ तारी 19 पुरुष के सामने, क्या वो लागत है कि यहाँ के चुनाव में जीत पाए? हाँ, जीत जाए। तो लोगों सपोर्ट मिले तबे तो जीते ना? तो वोट दिया ही ना, वोट दिया ही तो जीतबे करे। अगर सारा पुरुष लोग अगर पुरुष के सपोर्ट करे, अगर सारा महिला अगर महिला के सपोर्ट करे तबे यहाँ के जीत सके नी? हाँ, जीत जाए। 19 वो पुरुष वालों लड़ाई में और एगो महिला बारी, तो पुरुष के साथ जाए तो 19 जगह बढ़ जाए। अगर महिला के साथ लोग जाए तो एकत्रित होकर यहाँ के जीता सकते नहीं लोग? हाँ, जीता दे सन वोट देखे। क्या नाम चाची राहुल? ज्ञानती देवी। ज्ञानती देवी, लोग 29 तारीख के वोट करे जाए तो कोना मुद्दा पे वोट करें? विकास के मुद्दा पे वोट करें? पहले जब वही के चुने मालती देवी के चुने? मालती देवी के चुने। मालती देवी के कहा चुने? इनके का वोट देके जीता को लोग लगा था कि मालती देवी जीतम तो काम करे लोग खातिर जी। हां, काम कर्म करी है। क्या नाम है? सुमन देवी। तो जैसा कि 29 तारीख को वोटिंग है बिहार में या सिवान का दूसरे चरण का, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जनता जितना भी यहाँ पे अवेलेबल है सारे लोग वोट में तब्दील हो पाएंगे? जनता की खुशी से तो चुनाव लड़ रही है, जनता की इतना ना खुशी है कि वो कह रही है जनता की इस बार महिला को मुखिया प्रत्याशी बनाया जाए, महिला जीतेगी जी। क्या नाम जी? इंदू देवी। वोट कर जाए नु? बदलाव हो? ओ तो बिना मुखिया जीतले हमने के सहायता कर लेनु है, वोट न देन सो बिना जीतले सहायता कर ले। हां, लगा बात का करम हमने के उहे के जान दने का करम कि छत पीटो आएम कि का करे, लेकिन हमने के एकदम सपोर्ट उहे करा। चलो मन पूछ ले। तो 29 तारीख के वोटिंग बा, वोट करे जाए के बनु? जाए ना। 5 साल में एगो दिन आवेला अपन गलती सुधारे के। हां, पहले सालो के चुने के। हां, तो बदलाव होई पंचायत में? हां, महिला पहली बार अब खड़ा होए जीतायो। तो महिला पहली बार खड़ा है तो महिला का सपोर्ट वालों करे? हां, करब। काहे के महिला के हमने के समाज में देवी के रूप दियल जाला और जरूरत पड़े तो महिला कालियों के भी रूप ले ली। तभी रोबा पंचायत में जो सिचुएशन बा वहां काली के रूप ले काइल बनी, लेकिन रोबा लोग खातिर जनता खातिर देवी बनी, लेकिन जे पंचायत के नष्ट कर ले बा लूट ले बा खातिर काली के रूप ले काइल बनी। का लगा था कि वहां का सोच में कामयाब होके मु? हां, कामयाब हो जाए। कामयाब हो जाए, ठीक बा। क्या नाम बच्चा? लाल बाबू सिंह। तो आपको लग रहा है कि 29 तारीख को बदलाव होगा मखरियार पंचायत में? एकदम होगा, ये समस्त जनता बदलाव के नाम पे ही वोट करेगी। हाँ हाँ। चाचा राहुल का नाम हो? उमा शंकर। वोट करे जाए 29 तारीख के? जी। लगा था कि जितना भी लोग यहाँ आए सब लोग वोट करी मालती कुशवाहा? हाँ हाँ, करी, जरूर करी।
तब इतना लोग वोट करे तो मालदीव को सही जीत जाए। हाँ हाँ जीत जाए। तो जैसा कि 29 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, उसमें सिवान सदर भी आता है और सिवान सदर के अंदर मकरियार भी आता है, तो क्या आपको लग रहा है कि मकरियार पंचायत की जनता शिक्षित और समझदार हो चुकी है और 29 तारीख को विकास के नाम पर वोट करेगी? जी जरूर वोट करेगी। और मैं इस पंचायत के जितने भी लोग हैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि जो सरकार ये महिला सशक्तिकरण को चला रही है उसको आगे बढ़ाया जाए और सत्ता में महिलाओं का भागीदारी हो, तभी विकास होगा इस पंचायत का। और जितने भी लोग यहाँ पे प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, सभी लोग पुरुष हैं और हम लोगों के पंचायत में कोई भी विकास नहीं हुआ है। अगर इस मुखिया के जो भी फंड आता है, एक भी नाला का निर्माण इस पंचायत में कहीं नहीं हुआ है। और ये एक ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी हैं, इनको वोट किया जाए और जिताया जाए, यही हम जनता से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं। मालती कुशवाहा, मालती कुशवाहा, जिंदाबाद, मालती कुशवाहा, जिंदाबाद।